रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। नालासोपारा में त्रिमूर्ति बिल्डर्स के लोगों द्वारा महिला से की गई अभद्रता। पालघर जिले के नालासोपारा पूर्व स्थित सागर प्रकाश सोसाइटी की एक महिला ने त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लोगों पर हाथापाई और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए तुलिंज पुलिस स्टेशन में धारा 354, 323, 504, 506 और 427 के तहत मामला दर्ज करवाया है। मैडम आपका? मेरा नाम नीतू राकेश मिश्रा है। कब से रहते हो आप इस? मैं यहाँ पे 25 साल से रह रही हूँ। क्या हुआ था कल? कल हुआ कि मैं नीचे से पानी लेने को पाइप डाला था, पाइप ऊपर ले रही थी, वहाँ पे बिल्डर का आदमी आया, वहाँ पे विंडो गिराया। मैंने उसको बोला कि आप ऐसा पाइप के ऊपर ना पड़े, उतने में अमित ने हम गाली दिया। उसके बाद में जब मारने को किया तो मैं नीचे आई तो मेरे साथ में जोर जबरदस्ती किया, मेरे कपड़े को फाड़ दिया। हाँ, और एक लेडीज़ को हमने आवाज़ दिया, जब तेज आवाज़ दिया तो एक लेडीज़ हमारे बिल्डिंग में थी, वो बाहर आई, उसके साथ में भी हाथापाई किया। हाँ, तो हम लोग के साथ में इस तरीके से सुलू हो रहा है। हाँ, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग हमने उनसे क्या मांगा है? ये घटना पहली बार कल हुआ है, उससे पहले नहीं, भी उसके पहले भी होता है। उसके पहले हमारे बच्चे आते हैं, उनको उठा लेने की धमकी दिया जाता है, हमारे पति को मार देने की धमकी दिया जाता देता है। धमकी बिल्डर लोग देते हैं। क्या नाम है बिल्डर का? बिल्डर का नाम है जीतू सिंह। उनके आदमी लोग देते हैं, अमित देता है। अमित कौन है? अमित मालूम नहीं कौन है, अमित कौन है मेरे को मालूम नहीं। बिल्डर कभी आता नहीं है, बिल्डर हम लोग से मिलने को तैयार नहीं है, हम लोग को कुछ देने को तैयार नहीं है। किस बेस पे हम लोग रूम खाली करें, किस बेस पे जाएं, हम लोग के साथ में गलत किया जा रहा है। हम लोग ओनर हो के भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? हमारे चेयरमैन का। क्या नाम है चेयरमैन का? कंचन कोडे और रंजीत कोडे। उनका हाथ कैसे इस मामले में? इस मामले में अगर उन्होंने इनको नहीं दिया होता था तो ये सब हम लोग के साथ में नजायज वो नहीं करते थे। ऑफिशियल पेपर्स कुछ भी नहीं हुआ है, ऑफिशियली कुछ भी डॉक्यूमेंट सही नहीं कर हम लोग ने कुछ मांगा तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांगा, प्रोसीजर मांगा है, और कुछ डिमांड नहीं किया है। हालांकि हम लोग को एरिया भी कम दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देंगे तो किस बेसिस पे हम लोग खाली करें? एग्रीमेंट ही नहीं दे रहे। और ये हर सुबह की मामला हो गया है, आदमी लोग नहीं काम पे जा सकते, नहीं औरत लोग घर में खाना बना सकते, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज बहुत हो रही है। बताइए, उससे पहले भी हुई है, सभी के साथ होती है? सभी के साथ हो रही है, उसके पहले भी हुआ है, सबके साथ हो रहा है। ये लोग को बोलने का नहीं, बोला तुम्हारी चलेंगी नहीं, मनमानी। पुलिस प्रशासन में आपने गुहार लगाई? हम लोग ने सबको दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, व्हाट्सएप पे भी भेजा है सब। एसपी साहब क्या कहते हैं? एफआईआर का अभी तक एक्शन लिया नहीं है लोग ने। एसपी साहब क्या बोलते हैं? एसपी साहब बोलते हैं वीवीएमसी में जाओ, उधर जाओ तो उधर भी कोई बराबर जवाब नहीं देते। यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, खाली करने पर लेटर एड पे कोई खाली नहीं करता है। आपको बता दें कि सागर प्रकाश सोसाइटी बने 25 से 30 वर्ष हो चुके हैं, जिसके चलते इमारत जर्जर हो गई है। वही इमारत रीडेवलपमेंट के लिए त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन को दी गई है। बिल्डर के लोग इमारत के दरवाजे और ग्रिल तोड़कर निकाल रहे हैं। इस इमारत में 100 से अधिक लोग रहते थे, पर अब तक इस इमारत को सभी लोगों ने खाली नहीं किया है। उनका कहना है कि बिल्डर के पास रीडेवलपमेंट से संबंधित सभी कागजात नहीं है। उनका यह भी आरोप है कि इसके चलते बिल्डर उन्हें वहां से भगाने के लिए महिलाओं के साथ अभद्रता करता है। तो कानून की जानकारी थी, तो आप नहीं आई, अंदर से आई, और इनको पहले मैंने विंडो से हमने बोला कि देखिए आप विंडो गिरा रहे हैं तो पाइप के ऊपर छोड़ के बाहर गिराओ, नहीं मेरा पाइप फट जाएगा। हाँ, तो इन्होंने गाली दिया, बोलता है नीचे आ, मैं तेरे को करके देता हूँ। हाँ, जब मैं नीचे आई तो मेरे गले को हाथ डाला और कपड़े को खींचा, मेरे मोबाइल को तोड़ा, हाथ की चूड़ियाँ तोड़ दिया। हाँ, जब मैंने आवाज़ उठाया तो ये लेडीज घर में थी, आई तो इसको भी पकड़ा। और फिर देता है कि अगर ऐसे कोई भी आ रहा है, जो भी सपोर्ट पे आ रहा है, ऐसा मारो। सोसाइटी में कभी एक दो औरत लोग का झगड़ा नहीं हुआ है? गाली दे के बात करता है, हाथ लगाता है।
वतन पे हाथ डालता है, यानी हम लोग की सेफ्टी नहीं है। जैसे अब देखना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा कदम भरने वाले पुलिस एवं महिलाओं की सुरक्षा के पहल को उठाने वाले पालघर एसपी इस मामले में बिल्डर और उनके लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।